ओम नमः शिवाय। सभी देशवासियों के लिए महाशिवरात्रि की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। इस वीडियो में हम जानेंगे महाशिवरात्रि का व्रत कैसे करें और किस योग में व्रत कब खोलें ताकि आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो। महाशिवरात्रि का त्यौहार इस साल 1 मार्च दिन मंगलवार को मनाया जाएगा। भगवान शिव को समर्पित यह त्यौहार इस साल बेहद खास होने वाला है। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार महाशिवरात्रि पर इस साल 2 शुभ संयोग बन रहे हैं। महाशिवरात्रि के दिन इस साल पंचग्रही योग का भी निर्माण हो रहा है। मान्यता है कि इस शुभ संयोग में भगवान शिव की पूजा करने से भक्तगणों को मनवांछित फल प्राप्ति होती है। 12वें भाव में मकर राशि में पंचग्रही योग का निर्माण होगा। इस राशि में मंगल और शनि के अलावा बुध, शुक्र और चंद्रमा भी विराजमान होंगे। लग्न में कुंभ राशि में सूर्य और गुरु की युति बनेगी। वृषभ राशि के 4थे भाव में राहु और वृश्चिक राशि के 10वें भाव में केतु विराजमान रहेंगे। महाशिवरात्रि पर इस साल धनिष्ठा योग का निर्माण होगा। धनिष्ठा योग के बाद सतभिषा नक्षत्र रहेगा। इसके बाद शिव योग लग जाएगा। मान्यता है कि इस योग में भगवान शिव की पूजा करने से कार्यों में सफलता मिलती है। अब भक्तगणों आपको बता दें, महाशिवरात्रि 2022 पर व्रत खोलने के जो शुभ मुहूर्त हैं वो आप यहाँ पर देख लीजिए। महाशिवरात्रि के दिन सुबह 11:47 से और दोपहर 12:34 तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा। यह दोस्तों सबसे सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है व्रत खोलने का। इसके बाद दोपहर 2:07 से लेकर और 2:53 तक विजय मुहूर्त रहने वाला है। इसमें भी आप अपना व्रत खोल सकते हैं। इसके बाद में सायंकाल वाला एक और मुहूर्त है जो कि गोधूली शुभ मुहूर्त है। वो 5:00 दोस्तों शुरू होगा जो कि 6:00 तक चलेगा। आप इस मुहूर्त में भी अपना व्रत खोल सकते हैं, लेकिन सबसे सर्वश्रेष्ठ जो मुहूर्त है वो अभिजीत मुहूर्त रहने वाला है जो कि 11:47 से शुरू होगा और दोपहर 12:34 तक रहने वाला है। अगर आपने सच्चे मन से शिवजी महाराज का व्रत किया है, महाशिवरात्रि का व्रत किया है, तो आपकी सारी मनोकामनाएँ पूर्ण होंगी। दोस्तों पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें।